आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से IRCTC से किस तरीके से हम ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। ये काफ़ी काम की जानकारी है जो आपको हमेशा काम आते ही रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IRCTC से ट्रेन का टिकट कैसे बुक करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइपिंग कर देना है IRCTC.co.in। तो आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि IRCTC का वेबसाइट ये ओपन होके आ चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पर पहले आपको लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप इस पे अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो मैं इस पे पहले से वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से आप IRCTC पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। ये कैप्चा आपको इसमें होगा, इसको दो बार रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कैप्चा आ चुका है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि आप जो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, चलिए यहाँ पासवर्ड को निर्भर कर देते हैं। अब आपको कहाँ से कहाँ तक का टिकट बनाना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फ्रॉम में आपको कहाँ से कौन सा स्टेशन से बनाना है, जैसे मैं यहाँ न्यू दिल्ली से बनाना चाहता हूँ और मैं कहाँ के लिए बनाऊँगा तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ पटना का, तो यहाँ पटना PNBE डालिएगा शॉर्ट में, या पूरा लिखिएगा पटना जंक्शन तो आपके सामने में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से आप डेट चूज कर लीजिएगा कौन सा डेट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपका पूरा डेट आ जाता है, ये कैलेंडर है, इसमें से आपको चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ से डेट चूज कर लेते हैं। इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। यहाँ ऑल क्लास है, यहाँ से अपना क्लास भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ जो है सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा ट्रेन का यहाँ पे लिस्ट ओपन होके आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपना डेट देख लीजिए, यहाँ कहाँ से कहाँ है वो देख लीजिए। यहाँ क्लास है, ये क्लास यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ जनरल कोटा है, आप जो भी कोटा बनाना चाहते हैं इसमें से चूज कर सकते हैं। क्लास भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा क्लास में आप बनाना चाहते हैं। तो ये सारा क्लास आपको यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ 2S डालिएगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, सर्च वाले पर क्लिक कीजिएगा तो वो ट्रेन आएगा जो 2S है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही ट्रेन यहाँ पर आएगा जो 2S है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ट्रेन आपको यहाँ पर शो कर देता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे आपको यहाँ पूरा ट्रेन का लिस्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि इतने सारा ट्रेन है जो 2S बोगी है इसमें और ये ट्रेन सब जाने वाला। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेन चूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से अगर आपको ऑल कर देना है तो यहाँ पे ऑल क्लास पे यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो जितने डब्बा में रहेंगे खाली रहेंगे गाड़ी वो सारे के सारे जो एसी है, नॉन एसी है, स्लीपर है, 2 AC 3 AC वो सारे के सारे यहाँ पे आपको आ जाता है। और इस तरह से आप अपना ट्रेन को देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेन में खाली, यहाँ देख रहे हैं अवेलेबल है और यहाँ जो रेड मार्क देख रहे हैं यहाँ वेटिंग में है। तो आपको जो भी ट्रेन में लेना है आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। हमको इस ट्रेन में लेना है संपूर्ण क्रांति स्पेशल में, इस तरीके से हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ आई एग्री वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में न्यू पेज यहाँ पर देखिए ये ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपका पूरा ट्रेन आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना जो ट्रेन है 18 जुलाई का है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अवेलेबल है 325। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पैसेंजर डिटेल्स है, आप पैसेंजर का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे और इंडियन तो है ही। और यहाँ पर जो है नो परफॉर्मेंस पर क्लिक करके आप इसमें परफॉर्मेंस भी चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पैसेंजर का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए नाम आ गया, एज आपको इसमें से डाल लेना है, कितना एज है तो वो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है तो यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, यहाँ पे इंडियन ऑलरेडी है ही। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके अपना पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो यहाँ पे ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके जो बच्चे हैं वो बच्चे का नाम, एज और जेंडर इसमें से डाल सकते हैं तो बच्चा का हाफ टिकट आपको लगेगा। अगर बच्चा नहीं है सिंपली यहाँ पर कैंसिल वाले पे क्लिक करके हटा देंगे। और अब आपके पास कोई और पैसेंजर है तो वो पैसेंजर का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पर दूसरा पैसेंजर का नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आप इसको एज चूज कर लीजिएगा कितने साल का है।
यहाँ से जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है, इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रेफरेंस आ जाता है नो। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे पैसेंजर का है मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर देख रहे हैं योर डिसिग्नेशन एड्रेस, पैसेंजर कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पैसेंजर का वहाँ का एड्रेस डालेंगे जहाँ पे पैसेंजर जा रहा है। यहाँ 2 और यहाँ 3 ऑप्शनल है, अब इसको छोड़ भी सकते हैं इसको। यहाँ पे पिन नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिटी चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे अपना पिन नंबर डाल दिया जो भी पिन नंबर है, स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट आ गया, पोस्ट ऑफिस इसमें से आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। यहाँ पे है अदर परफॉर्मेंस, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल के समय में इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस वाले पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पेमेंट मोड का, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत बार कोड, या इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, या आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पे थ्रॉट भीम और UPI से, तो आपको इस वाला पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ कंटिन्यू वाले पे मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर पूरा जो पैसेंजर है, पैसेंजर का डिटेल आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसेंजर 1 और 2, और यहाँ पर उसका बायोडाटा देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उसका जो ईमेल आईडी और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आ जाता है, इसका ये कैप्चा है, इसका 2 बार इसको आपको रिफ्रेश कर देना है इस तरीके से, और ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर आपको डाल के यहाँ पर कंटिन्यू वाला पे क्लिक कर देना। क्लिक करते यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं इसमें से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नेट बैंकिंग है, और यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे का भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमको नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ढेर सारा बैंक मिल जाता है कि आपका जो अकाउंट कौन बैंक में है वो आपको चूज कर लेना है। जैसे मेरा बैंक स्टेट बैंक में है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पे एंड बुक वाले पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आप वेट कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका पूरा यहाँ पर ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर आपका अकाउंट आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो अमाउंट है ये 627 रुपया है, तो इस तरीके से यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका इस तरीके से पूरा कन्फर्म हो जाता है, और यहाँ पर देखिए कि आपको जो है इतना पैसा 627.70 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। सो इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरा ऑप्शन यहाँ ओपन होकर आ जाता है। यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर है आपके बैंक में उस पर कोड गया होगा, सिक्योरिटी कोड, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद सिंपली कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो टिकट यहाँ कन्फर्म हो चुका है, आपका अकाउंट से पैसा भी यहाँ पर कट हो चुका है। ये आपको दोबारा से रिफ्रेश कर देगा आपके टिकट पे, तो यहाँ पर देखिए कि आपका टिकट यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बुक नहीं तो टिकट के लिए भी आप अलाउ कर सकते हैं, यहाँ से जो है कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने टिकट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर आपको लिखा आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली बुक ए टिकट, तो आपका टिकट बुक हो चुका है। यहाँ प्रिंट वाले पर क्लिक करके आप अपने टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पूरा टिकट आ चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से IRCTC से अपना टिकट बुक कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इस टिकट को प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख लीजिए। और साथ ही आपको जब भी ट्रेन में जाइएगा तो ट्रेन में जाने से पहले आपको क्या करना है, आप अपने साथ एक आधार कार्ड ले लीजिएगा, जो आधार कार्ड से आप टिकट बनाए हैं या कोई भी प्रूफ से जो बनाए हैं तो वो प्रूफ आपको ले लेना है। ये होता है आपके सिक्योरिटी रीजन के लिए, क्योंकि आप जब भी ट्रेन में जाइएगा तो वहाँ पे जो है TT आपसे जो है आधार कार्ड मांगेगा, तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा या जो भी आप ID प्रूफ से बनाए हैं वो ID प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रहे कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र कीजिएगा तो आप आधार कार्ड दिए तो आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट से बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सफ़र जब भी कीजिएगा तब आपको लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको रखना कहाँ है वो सेव कर लीजिए। जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप पर रखेंगे तो इसको मैं सेव सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना फाइल नाम डाल दीजिए, मैं यहाँ डाल देता हूँ टिकट।
यहाँ पर मैं टिकट डाल के यहाँ पीडीएफ आप चूज़ कर लीजिए और सेव करके आप इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद देखिए मेरा यहाँ टिकट है। मैं इस पर डबल क्लिक करके आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पर टिकट आ चुका है और मेरा डेस्कटॉप पे सेव है अपने रिकॉर्ड के लिए। जब भी जाऊँगा तो अपने साथ आधार कार्ड लेके जाऊँगा और जो भी अगर आप प्रूफ दिए हैं वो प्रूफ आपको लेके जाना है। सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से IRCTC से अपना ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।